एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैक्सीन पर आज देश को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, आज दो वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। CDSCO ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए सिफारिश की है। अब इस पर DCGI को फैसला लेना है। सुबह 11 बजे DCGI अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर अहम ऐलान कर सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आज आपको वैक्सीन की सौगात मिल सकती है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सिफारिश की गई है। आपको बता दें CDSCO ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए सिफारिश की है। अब इस पर DCGI को फैसला लेना है। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि सुबह 11 बजे DCGI अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर अहम ऐलान कर सकता है। इस सिफारिश पर आज मंजूरी मिल सकती है, यानी वो दिन दूर नहीं जब वैक्सीन आपके हाथ में होगा। आपको बता दें सबसे पहले ये वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने वाली है और सुबह 11 बजे इस पर अहम ऐलान हो सकता है। भारत में आज होगा वैक्सीन पर सबसे बड़ा ऐलान। हिंदुस्तानियों को वैक्सीन पर मिलेगी डबल खुशखबरी। दो वैक्सीन पर टीकाकरण की तारीख आज तय हो सकती है। जनवरी में क्लीन बोल्ड होगा कोरोना। सीएम योगी का दावा, मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीन आएगी। मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। वैक्सीन पर जिस शुभ घड़ी का इंतजार देश को था, वो खुशखबरी अब से कुछ घंटे बाद मिल सकती है। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत बायोटेक की देसी कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन को भारत बायोटेक ने पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। तीसरे चरण में कोवैक्सीन का 23,000 लोगों पर सफल परीक्षण किया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने 24 घंटे पहले ही अपनी राय दे चुकी है। अब इंतजार इस पर DGCI के फाइनल मुहर का है। कोरोना से फाइट के लिए जो एक ही विकल्प हमारे पास में था वो वैक्सीन थी, और वो वैक्सीन आज आ गई है, अप्रूवल मिल गया है और लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग है। फर्स्ट फेज में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी 30 करोड़ लोगों को। वैक्सीन के ट्रायल पर नजर रखने वाली CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने 1 और 2 जनवरी की मीटिंग के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक में तैयार हो रही कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की। इससे पहले शुक्रवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड के इस्तेमाल की भी सिफारिश की थी। दो वैक्सीन कंपनीज को अप्रूवल मिल गया है। ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल मिला है सीरम इंस्टीट्यूट को भी और भारत बायोटेक को भी। सीरम इंस्टीट्यूट के पास में 75 मिलियन डोजेस के करीब तैयार हैं। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए। यानी भारत में वैक्सीन के डबल डोज से कोरोना का अंत हो सकता है। भारत बायोटेक की देसी कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड का भारत में एक साथ इस्तेमाल हो सकता है। दो वैक्सीन के अलावा अमेरिका की फाइजर वैक्सीन ने भी भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी। सबसे बड़ी बात कि टीकाकरण को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देश भर में 2 राउंड में वैक्सीन का ड्राई रन पूरा कर लिया गया है। पहले राउंड में 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया, दूसरे राउंड में सभी राज्यों में 116 जिलों में ड्राई रन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के पास टीकाकरण का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली के GTB अस्पताल में ड्राई रन का निरीक्षण भी किया। ये भले ही एक ड्राई रन हो, लेकिन असल में जिन स्टेप्स, जिन चरणों के तहत ये पूरी वैक्सीन दी जाएगी, ये उसी का ही ड्राई रन है। और इसी तरह से कोई भी किसी वैक्सीनेशन साइट पर आता है तो उसको ये तमाम प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। ऐसे फ्री वैक्सीन को लेकर घिरे स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीकाकरण की रूपरेखा को भी साफ कर दिया है। शुरू में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कर्मचारियों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। बाकी 27,000 करोड़ लोगों के मुफ्त टीकाकरण पर बाद में फैसला होगा। जिन देशों के पास 1 या 2 वैक्सीन है, भारत के पास आज 3 वैक्सीन है। 3 वैक्सीनों को एक साथ तैयार करा जा रहा है ताकि एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन हो, उसकी एफिशेंसी और बेहतर हो और कॉस्ट उसकी कम से कम हो। ऐसे एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाती है
तो हम पैंडेमिक से समान स्थिति की ओर बढ़ जाएंगे। अगर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाता है, समझ लीजिए 30 करोड़ लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, हम लोग जल्दी से जल्दी पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेट में आ सकते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार है, साफ हो जाएगा कि कब, कहां और कितने वैक्सीन से भारत में वैक्सीन का दौर शुरू होने वाला है। ABP News, आपको रखे आगे।